हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 62 करने जा रहे हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 896। क्वेश्चन का नाम है मोनोटोनिक अरे। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय फेसबुक मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक 3 टाइम्स पूछा गया है। फ्रिक्वेंसी इसकी 3 है, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। एन अरे इज़ मोनोटोनिक इफ़ इट इज़ ईदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि या तो वो इंक्रीज करेगा या तो इक्वल भी रह सकता है, इंक्रीज या तो इक्वल, घटेगा कभी नहीं। मोनोटोनिक डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, या तो घटेगा या तो इक्वल रहेगा, या तो घटेगा या तो इक्वल रहेगा, कभी बढ़ेगा नहीं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ बता दिया, एन अरे इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ़ फॉर ऑल आई लेस देन इक्वल टू जे नम्स आई इज लेस देन इक्वल टू जे, है ना। देखो लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, नम्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स जे। ग्रेटर देन तो होगा ही, लेकिन इक्वल टू भी हो सकता है। और अगर मोनोटोनिक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना, अगर मोनोटोनिक है तो ट्रू रिटर्न करना। तो मोनोटोनिक है मतलब वो या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो सकता है। उन दोनों केस में रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पर देखो 1 2 2 3 है, ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है। तो इस पे ध्यान दो, मान लेते हैं आई ये है इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 इसके आगे वाला एलिमेंट यानी कि आई प्लस 1 ये है, ठीक है, आई प्लस 1। तो कंपेयर करो, देखो 1 लेस देन 2 है, तो आपको ये तो पक्का पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग है, राइट, इंक्रीजिंग है। तो देखो अब इंक्रीजिंग है तो आगे अगर 2 के बाद 2 भी आता है तो मैं इंक्रीजिंग ही मान के चलूँगा उसको ना, ठीक है। लेकिन मैं मुझे इतना पता चल गया है इसकी वजह से कि ये इंक्रीजिंग ही होना चाहिए आगे भी, कहीं पर भी ऐसा ना हो कि घट जाए कोई नंबर, है ना। तो मैंने यहाँ से ये कंफर्म कर लिया कि ये इंक्रीजिंग होने वाला है ना, क्योंकि 1 लेस देन 2 है। आगे जाके 2 मिले तो इट्स फाइन, बट आगे जाके 2 से कम नहीं मिलना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो मैंने यहीं पर मार्क कर दिया कि ये इंक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है। अब आई को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आई यहाँ पर आया, आई प्लस 1 ये है। 2 क्या लेस देन 2 है, नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। क्या 2 ग्रेटर देन 2 है, ऐसा भी नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी इंक्रीजिंग मैंने स्टार्टिंग में पता कर लिया था तो अभी भी इंक्रीजिंग ही चल रहा होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा कि इक्वल टू भी हो सकता है, तो मेरे लिए अभी इट इज़ फाइन, घटना नहीं चाहिए बस। घटेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, डिक्रीजिंग को ट्रू मार्क कर दूंगा, फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ट्रू हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट, ठीक है। अभी तक तो दिक्कत नहीं दिखी है मुझे आई और आई प्लस 1 में, तो आई फिर यहाँ पर आ गया, आई प्लस 1 ये है। 2 लेस देन 3 है, यस, तो ये अभी भी इंक्रीजिंग ही दिख रहा है मुझे, राइट, ठीक है। अब आई आगे बढ़ा, आई प्लस 1 तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हम यहीं तक लूप चलाएंगे सिर्फ, आई यहीं तक चलेगा सिर्फ। तो हमें अभी तक ऐसा केस नहीं मिला कि इंक्रीजिंग भी ट्रू हो और डिक्रीजिंग भी ट्रू हो, ऐसा कोई केस ही नहीं मिला, सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रू मिला, मतलब ये मोनोटोनिक था, तो हमारा आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से एक और छोटी सी चीज़ क्लियर हो जाएगी। नम्स इज इक्वल टू मांग के चलते हैं, एक फॉल्स वाला केस ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, फिर 2 आ गया, ठीक है। अब देखो आई यहाँ पर है, आई प्लस 1 ये है, देखना यहाँ पर 1 लेस देन 2 है, यस, तो मैंने इसको क्या मार्क कर दिया कि चलो इंक्रीजिंग तो होने ही वाला है, ठीक है, इंक्रीजिंग को मैंने ट्रू मार्क कर दिया अभी, ठीक है। अब जब आई यहाँ पर है, आई प्लस 1 यहाँ पर है, 2 लेस देन 3 है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग अभी भी ट्रू ही है, विच इज़ फाइन, ठीक है। आई और आई प्लस 1 ये है, अब देखो ध्यान दो, क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं, क्या 3 ग्रेटर देन 3 है, अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ। आई यहाँ पर है, आई प्लस 1 यहाँ पर, अब देखो ध्यान देना, 3 ग्रेटर देन 2 हो गया, तो मैंने देखा एक डिक्रीजिंग पार्ट भी मिल चुका है, तो मैंने डिक्रीजिंग को ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। अब आई आगे बढ़ नहीं सकता, इतने ही तक चलेगा, तो जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि इंक्रीजिंग भी ट्रू निकल गया एंड डिक्रीजिंग भी ट्रू निकल गया।
और अगर ऐसा केस होता है तो रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि इसमें इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तब ट्रू रिटर्न करते। बट इस एग्जांपल में मेरा आंसर क्या निकला? फॉल्स, क्योंकि देख रहे हो इसमें दोनों पार्ट है, वन से टू गया तो इंक्रीजिंग मिल गया, तो आगे भी इंक्रीजिंग या तो इक्वल टू ही मिलना चाहिए। वन से जब टू गए थे तो इंक्रीजिंग मिल गया था, बढ़िया था। टू के बाद थ्री गए तो अभी भी इंक्रीजिंग था, थ्री के बाद थ्री गए तो इंक्रीजिंग नहीं है बट इक्वल टू है विच इज़ फाइन, बट थ्री के बाद टू गए तो देखो डिक्रीजिंग मिल गया, तो इंक्रीजिंग भी मिल गया और डिक्रीजिंग भी मिल गया, दैट्स वाई आंसर इज़ फॉल्स। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है क्योंकि सारे एलिमेंट को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, कोड करके जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। तो चलो जल्दी से इसका कोड करके फिनिश करते हैं इसको। सबसे पहले एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, मैंने बोला दो बूलियन वेरिएबल लेंगे, इंक्रीजिंग है कि नहीं अभी स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं है तो फॉल्स ले लिया। सिमिलरली एक और वेरिएबल ले लेंगे, डिक्रीजिंग है कि नहीं, ठीक है, उसका भी स्टार्टिंग वेरिएबल फॉल्स ले लिया क्योंकि अभी हमें दोनों के बारे में नहीं पता है। ठीक है, फॉर एंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, याद करो एन माइनस वन तक जाएंगे, क्यों? क्योंकि आई के बाद आई प्लस वन भी चेक करते हैं। ठीक है, अगर नम्स ऑफ आई इज लेस देन नम्स ऑफ आई प्लस वन निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग जो है वो ट्रू होने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं हो के अगर नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस वन हुआ तो मैं क्या करूँगा, इसमें डिक्रीजिंग ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जब बाहर निकलूँगा अगर इंक्रीजिंग भी ट्रू हुआ एंड डिक्रीजिंग भी ट्रू हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली सबमिट करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाने चाहिए। जावा का कोड आपको मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।